मारहरा मुतहरा के उस सैयदजादे की बात कर रहा हूँ जब उनकी तूती बोलती थी, लोगों के हजारों का मजमा उनकी तरफ उमड़ आता था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक लेडी थी, हमारे इसी मुल्क की बात कर रहा हूँ। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की को ये ऑफर दिए गए, हुजूर सैयद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा गया। आमतौर पर होता क्या है मैं आपको बताऊं, हुकूमतें कुर्सी दे करके जमीर भी खरीद लेती हैं। आपको यहां बिठा दिया जाए और आप अपना ईमान भी बेच दो, दीन भी बेच दो। अब उनकी जुबान कम खुलती है जो जाकर पार्टी में बैठते हैं। उनको आला कमान को भी देखना है, हाई कमान को भी देखना है। उनको यह फर्क नहीं पड़ता अल्लाह उसके रसूल क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का हाल ये बन जाता है जब एक आशिक रसूल को वक्त के ताकत ने ऑफर किया था कि आओ आप कुर्सी ले लो पार्लियामेंट की मेंबर की, आप इस पर आ जाइए, राज्यसभा की मेंबरशिप आपको दे दी जाएगी। तब तारीखी जुमला मारहरा मुतहरा के उस अजीम सैयदजादे ने कहा था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तुम्हारी कुर्सी की जरूरत नहीं। वाह 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 वाह। और उन्हीं बुजुर्गों का ये जुमला रहा है मेरे अजीजों, जहां में उनकी चलती। ये हुकूमत क्या कम है जो हमें मिली हुई है, ये कुर्सी क्या कम है जो हमें मिली हुई है, ये वोटों से नहीं मिलती, हुजूर के कदमों की नौकरी से मिलती है।